आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। नमस्कार, विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल और आज का विषय आपके साथ साझा कर रही हूं। आज का विषय है जॉइंट पेन्स कॉजेज एंड सॉल्यूशंस, जोड़ों का दर्द कारण और निवारण। और ये क्यों इतना आवश्यक है, जोड़ों का दर्द क्यों आपको इतना परेशान करता है, ये कारण निवारण, इसके ट्रीटमेंट, जो भी आप इसको नाम दें, हम सारी चीजों पर आज एक घंटे बातचीत करना चाहेंगे, आपके प्रश्नों को शामिल करना चाहेंगे। और हमारे साथ रेडियो डॉक्टर आज जुड़ गए हैं डॉक्टर रवि मित्तल। आप प्रोफेसर एंड हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एम्स यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। डॉक्टर रवि मित्तल, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका। नमस्कार, धन्यवाद। तो श्रोताओं को बता दें कि डॉक्टर साहब प्रोफेसर और हेड तो हैं ही डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स में एम्स में, और कई वर्षों से आप एम्स के साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं को बताएं आप कब से हैं एम्स में नई दिल्ली? लगभग 35 साल से। 35 साल से, तो लगभग एक इतना लंबा एक जीवन काल का जो अनुभव है डॉक्टर साहब के साथ, तो जरूर हमारे श्रोता इससे लाभ उठाना चाहेंगे। और हड्डी से संबंधित जो भी आपकी समस्या है वो आप लिखकर भेज सकते हैं, लेकिन खास तौर पर आज हम चाहेंगे कि आप जॉइंट पेन्स यानी जोड़ों के दर्द का, हम क्योंकि ये स्पेशल टॉपिक के साथ इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, तो इस विषय पर आपकी जो समस्या है उनका स्वागत है। तो कार्यक्रम को आरंभ करें डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये जो जॉइंट पेन या जोड़ों का दर्द, इसको जानना चाहेंगे, इसको समझना चाहेंगे कि क्यों हो जाता है और कितनी तरह का होता है। जोड़ों का दर्द कई प्रकार का होता है और कई कारणों से होता है। अगर हम कहें कि दो हिस्सों में इनको बांट सकते हैं, एक है 50 से ज्यादा उम्र के और एक 50 से कम के। 50 से ज्यादा की उम्र में ज्यादातर ये होता है जोड़ों के घिसने, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, जो उम्र के कारण होता है। 50 से पहले ये इसका मुख्य कारण है चोट लगना। चोट लगने से हड्डी टूट सकती है, कार्टिलेज में प्रॉब्लम आ सकती है, लिगामेंट में प्रॉब्लम आ सकती है और मेनिस्कस में। तो ये मुख्य कारण होते हैं जोड़ों के दर्द के। इसके अलावा कुछ और कारण हैं जो कि इतने कॉमन नहीं हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस और उससे रिलेटेड डिजीजेस, वो अनकॉमन है, लेकिन मुख्यतः यही दो मेन कारण रहते हैं। जी जी, तो आपने मुख्य कारण हमें बता दिए और ये भी बताया कि एक्सीडेंट के कारण भी ये समस्या आ सकती है। तो आप श्रोताओं जो हमें सुन रहे हैं जरूर समझ गए होंगे कि आज इस विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं। आज ये विषय जो खास हमारा आज का है रेडियो डॉक्टर का, जॉइंट पेन्स कॉजेज एंड सॉल्यूशंस, जोड़ों का दर्द कारण और निवारण, इस विषय पर डॉक्टर रवि मित्तल हमारे साथ 4 बजे तक रहेंगे। तो अपनी समस्याओं को हम तक पहुंचाइए और उसका सॉल्यूशन पाइए। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। वेलकम बैक, आप है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में और आज का हमारा विषय जोड़ों का दर्द कारण और निवारण। और हमारे साथ स्टूडियो में हमारे आज के रेडियो डॉक्टर डॉक्टर रवि मित्तल। तो डॉक्टर साहब, हमारे पास एक मैसेज आया है, इनको हम ले लेते हैं। अनमोल गुप्ता लिख रहे हैं, 35 सरिता विहार दिल्ली में से इन्होंने ये मैसेज किया है और लिखते हैं कि मैं सुबह जब सो के उठता हूं तो पैरों में बहुत जोर से दर्द रहता है, चलने पर दर्द कम हो जाता है, इसका क्या कारण है, कुछ रिलेटेड है सर? मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि इनके तलवे में दर्द होता है। ओके, तो अनमोल जी, अगर आप हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं तो आप हमें नेक्स्ट मैसेज में ये लिखकर भेजें कि आपको दर्द एग्जैक्टली कहाँ होता है, डॉक्टर साहब जानना चाहते हैं। उम्र शायद इन्होंने लिखी है 35 इयर्स, तो आप जरूर ये लिखकर भेजें तो हम आपका समस्याओं का समाधान यहाँ पर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, दूसरा मैसेज है लिखने वाली है परिधि दिल्ली से, इन्होंने लिखा है आई एम 29 इयर्स ओल्ड और एंड आई हैव नॉक नीज, मेनी टाइम्स व्हाइल सिटिंग और स्टैंडिंग माई नीज मेक क्रैकलिंग साउंड, there is no pain in the knees as such, so what precautions should I take, मुझे क्या एहतियात लेनी चाहिए? अगर आपको जोड़ में से आवाज आती है परंतु उसमें दर्द नहीं है तो उसके लिए कुछ चिंता की बात नहीं है, इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो कोई बाद में कोई समस्या तो नहीं उत्पन्न हो सकती? अगर कभी आगे चल के दर्द होता है
तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, अदरवाइज जरूरत नहीं है। जी, तो आपने सुन लिया होगा इसका जो डॉक्टर ने सॉल्यूशन बताया है, तो आगे आप ध्यान रखें और अगर ऐसा कोई समस्या होती है तो जरूर आप डॉक्टर को कॉन्टेक्ट करें। हमारे श्रोता से फोन लाइन पर जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते जी। नमस्ते जी, मेरा सवाल ये है, जैसे कि मेरे ना अगर मैं घुटने मोड़ के बैठ गई तो मुझे उठने में बहुत दिक्कत हो गए, अगर मैंने सीधे कर लिए तो मुझे मोड़ने में बहुत दिक्कत हो गए। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र है 28। अच्छा, और ये कब से तकलीफ है आपको? ये मेरे करीबन 2 साल से। इसमें कोई चोट लगी थी आपको? मैं कह रही मेरे कोई चोट नहीं लगी है, ना मेरे कुछ हुआ है। अच्छा, ये दर्द मेरा ऑटोमेटिक बना है। अच्छा, तो इसके लिए आपको अपने खान पान का और व्यायाम का थोड़ा ध्यान रखना होगा। आप खाने में दूध, दही, पनीर का इस्तेमाल सेवन ज्यादा करें। अगर आप मांसाहारी हैं तो अंडा और मछली वगैरह आप ले सकते हैं। व्यायाम मतलब मुझे ये जानना, जैसे मेरे बच्चे मतलब डिलीवरी से मतलब ऑपरेशन से हुए थे जी, तो ये मतलब उससे रिलेटेड तो नहीं है। आपका छोटा सबसे छोटा बच्चा कितना बड़ा है? 5 मई को 2 साल की होगी। ये उसी के बाद शुरू हुआ है आपको तकलीफ? उससे पहले हो रहा है सर थोड़ा। हाँ, तो ये हो सकता है कि आपको कैल्शियम की कमी हो, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको अपने खान पान का ध्यान रखना है। मेरा बड़ा बेटा भी ऑपरेशन से हुआ था जी, तो उसमें आप दूध दही का ज्यादा सेवन करें, अंडा ले सकती हैं लीजिए और व्यायाम करिए। आई थिंक उससे आपका ये दर्द ठीक हो जाएगा। अगर नहीं होता ठीक तो किसी डॉक्टर को एक बार दिखाइए जाके। बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न करने के लिए। हमारे बहुत सारे मैसेजेस हमें मिल चुके हैं डॉक्टर साहब। हमें लिखा है ऋषि ने, और ये 20 साल के हैं। इन्होंने लिखा है कि मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरा जो फुट यूनियन है वहां पर बहुत पेनफुल स्वेलिंग और नी भी मेरा सीधा नहीं होता है। यूरिक एसिड मेरा 4.35 है, इनका जो नी है वो सीधा नहीं हो पाता है, ये इन्होंने लिखकर भेजा, और बहुत स्वेलिंग है और पेनफुल है। इनकी उम्र क्या है? 20 साल लिखा है इन्होंने। तो मुख्यतः कारण ये होता है कि उसमें चोट के बाद होता है, तो इनको अवश्य ही किसी डॉक्टर के पास जाके अपनी जाँच करानी चाहिए घुटने की। उसमें वो घुटना को देखेंगे और एक्सरे या एमआरआई की इनको जरूरत पड़ेगी, उसके बाद जो कारण निकलेगा उसके हिसाब से इनका इलाज किया जाएगा। हमें मनोहर लाल गांधी लिख रहे हैं चाणक्य चौक गाजियाबाद से। डॉक्टर साहब और मैडम आपको नमस्कार। तो नमस्कार हमारी तरफ से भी। सर्दी गर्मी या बरसात, किस मौसम में जोड़ों का दर्द ज्यादा उत्पन्न होता है, और मार्केट में जोड़ों के दर्द के जो तेल, अनगिनत तेल उपलब्ध है, क्या ये तेल लगाने लाभदायक होते हैं, और जोड़ों में ग्रीस कम होना ये कैसे पता चलता है, क्योंकि अक्सर यही सुनते रहते हैं कि ग्रीस कम हो गया होगा। एक्चुअली ग्रीस नाम की कोई ऐसी चीज नहीं होती है जोड़ में। ये कोई मशीन नहीं है। हाँ। लेकिन जो भी उसके अंदर एक तरल पदार्थ होता है उसको लोग अपनी रोजाना की बोल चाल भाषा में ग्रीस बोलते हैं। लुब्रिकेशन कम हो जाता है ये तो। हाँ, लुब्रिकेशन आप कह सकते हैं उसको जी। तो ये 50 की उम्र के बाद धीरे धीरे कम होता है, किसी में ज्यादा किसी में कम। तो आप देखेंगे कि सभी लोगों को ये तकलीफ नहीं होती, किसी को ज्यादा होती है किसी को कम होती है। जो लोगों को पहले कभी चोट लगी है या उनका वजन ज्यादा है या जो ज्यादा चलते फिरते नहीं है उनको ये तकलीफ ज्यादा होती है, बाकी लोगों को कम होती है। जो तेल उसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल है। हाँ। यहाँ पे कि कौन सा तेल ठीक है कौन सा नहीं जी। और एक ये भी उन्होंने पूछा था डॉक्टर साहब कि किस मौसम में ज्यादा होता है, क्या कुछ है कि सर्दियों में या बारिश में? ये ऐसा कोई नियम नहीं है कि किस मौसम में ज्यादा होगा, परंतु कुछ लोग कहते हैं कि बरसात में और ठंड में उनको ज्यादा तकलीफ होती है जी। तो इसका कोई कॉज होता है, कोई अभी तक ऐसा कुछ कारण मालूम नहीं है, लेकिन उनको ऐसा महसूस जी जी लोगों ने जो बताया है। हाँ, वो ऐसा होता जी। तो डॉक्टर साहब ये भी बताइए, जैसे आपने अभी बताया कि ये क्यों हो जाता है, इस पर तो हमने बात की, लेकिन क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं अगर जोड़ों में दर्द है तो किस तरह के समस्याओं के साथ लोग आते हैं? देखिए, अगर ये जोड़ के घिसने से कारण दर्द है तो मरीज को दर्द के अलावा थोड़ा सा उसकी मुड़ने में कमी आती है कि वो जमीन पे नहीं बैठ पाते, चौकड़ी लगा के नहीं बैठ पाते, उकड़ू नहीं बैठ पाते, ये सब होता है। और कभी कभी सूजन भी आती है जोड़ में। अगर चोट की वजह से है तो उसमें चोट के साथ सूजन होती है, दर्द होता है,
उसमें वजन नहीं दे पाते हैं वो, और कभी अटकता है या सीधा नहीं होता, ये सब कारण होते हैं। या लिगामेंट में कई बार लिगामेंट चोट में ऐसा लगता है कि वो बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, उनका बैलेंस बिगड़ता है। तो अलग अलग कारण से अलग अलग तरह के सिम्टम्स आते हैं। मरीज को ये कहना कि सभी में एक जैसे होंगे ये संभव नहीं जी। है। और डॉक्टर साहब, कई बार हमने भी ऐसे सुना है जब बातचीत होती है घर में बड़े बुजुर्गों से, तो बोलते हैं अरे ये तो आम बात है जोड़ों में दर्द होना। और अगर किसी कोई यंग जो होता है वो कंप्लेन करता है तो ये सुनने को मिलता है कि अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुमको क्या जोड़ों का दर्द, जोड़ों का दर्द तो बुढ़ापे में होता है। तो क्या ये कहां तक सही है ये बोलना, क्योंकि आप क्योंकि एम्स में है तो क्या यंगस्टर्स, टीनेजर्स, चिल्ड्रेन इस ग्रुप के भी लोग आते हैं आपके पास जोड़ों की दर्द की समस्या के साथ? अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो ये बुजुर्गों में ही होती है, 50 या 55 के ऊपर ही होती है। परंतु छोटी उम्र में जो जोड़ दर्द के कारण है वो ज्यादातर चोट है या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी गठिया की तकलीफ है। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के मुकाबले काफी कम लोगों में पाई जाती है, लेकिन छोटी उम्र में भी जोड़ का दर्द हो सकता है। इसी तरह का एक प्रश्न और आया है डॉक्टर साहब, खयाला से लिख रहे हैं उमेश कुमार, और उन्होंने लिखा है कि जोड़ों का दर्द किस एज में ज्यादा होता है। तो थोड़ा सा तो आपने बताया ज्यादातर ओल्ड एज की ये ऑर्थोआर्थराइटिस की समस्या होती है, और क्या कुछ खाने पीने के कारण होता है या पैदल चलना, ये सब चीजें भी इस पर इफेक्ट डालती हैं क्या? तो मेरा भी ये प्रश्न था कि क्या लाइफ स्टाइल चेंजेस या लाइफ स्टाइल भी इसके लिए जिम्मेदार है क्या? जी, दो चीजें बहुत जरूरी है कि एक हमारा वजन ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी शरीर का वजन है वो घुटनों के द्वारा ही नीचे जाता है। तो अगर ज्यादा वजन होगा किसी का उसकी लंबाई और ऊंचाई के हिसाब से, तो उसके जोड़ों पर ज्यादा वजन पड़ेगा और तकलीफ होगी, जल्दी घिसेंगे वो। तो अपना वजन, जिसको कहते हैं ओबेसिटी या ओवरवेट, नहीं होना चाहिए आदमी को, और कम से कम 2 या 3 किलोमीटर दिन में चलना चाहिए जिससे एक्टिविटी रहे। अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए जिससे कैल्शियम और विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में रोज सेवन हो, जिससे दूध दही, और जो लोग मांसाहारी हैं वो अंडा, मछली या चिकन, मटन ये सब लें तो उनकी डाइट में ये पदार्थ ठीक से जाएंगे। जी जी डॉक्टर साहब, मैं बहुत सारी चीजें यहाँ सुनती हूँ क्योंकि आप प्रोग्राम करते हुए बहुत सारी चीजें लोग बताते हैं, तो ये भी मैंने सुना है। अब मैं जानना चाहूंगी कितना सही है कि 30 साल तक की उम्र तक ही हमारी हड्डियां डेवलप होती हैं, या जितना भी कैल्शियम या जो भी स्टोरेज होता है वो 30 साल तक होता है, उसके बाद वो स्टोरेज चीज खत्म हो जाती है, हम विड्रॉ ही करते हैं फिर। कितना सही है डॉक्टर साहब ये? काफी हद तक सही है, इसीलिए अच्छा। कहते हैं कि जो आपने टर्म सुनी होगी काउच पोटैटो, हाँ जी, जो कि वो कुछ काम नहीं करते घर में, सारे दिन बिस्तर पे या सोफे पे बैठे रहते हैं, टीवी देखते हैं और कुछ भी काम, फिजिकल काम नहीं करते हैं, तो उन लोगों में ये प्रॉब्लम ज्यादा है। जो लोग एक्टिव रहते हैं उनमें ये प्रॉब्लम कम होती है। हाँ, ये बात सही है कि 30 की उम्र तक हमारी हड्डियों में कैल्शियम धीरे धीरे बढ़ता है और उसके बाद धीरे धीरे कम होता है। तो अगर हम अपना बैलेंस जो है कैल्शियम का वो बढ़ा अच्छी तरह 30 की उम्र तक रखेंगे तो हमें आगे चल के कम तकलीफ होगी। जी, तो ये बात सही है जी। डॉक्टर साहब, विटामिन डी और कैल्शियम, इन सब का गहरा नाता है हमारे हड्डियों के साथ। तो विटामिन डी कहा जाता है कि हमें सनलाइट से मिलता है, तो एक तो मेरा ये प्रश्न है कि सनलाइट कितनी लेनी चाहिए एक नॉर्मल पर्सन को, कब लेनी चाहिए? क्योंकि समय के बारे में बहुत बार लोग अलग अलग समय बोलते हैं, कोई बोलता है सुबह की होनी चाहिए, कोई बोलता है 12 बजे की होनी चाहिए, तो आप बताएं कि कौन सा सही समय होना चाहिए और कितनी ड्यूरेशन होनी चाहिए? देखिए, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि कितनी हो, जितनी ज्यादा उतनी अच्छी है, लेकिन हमारा देश क्योंकि गर्म देश है इसमें आप ज्यादा धूप में रहना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, तो सुबह और शाम जब गर्मी कम होती है तो उस समय आसान होता है धूप में रहना। दोपहर में जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो धूप में खड़ा होना मुश्किल होता है। और कहते हैं कि कम से कम 20 मिनट आपको कंटिन्यूअस एक्सपोजर होना चाहिए सनलाइट का, जिससे इसका फायदा हो। अगर वो 5 मिनट में ही रहेगा और फिर अगले 5 मिनट में रहेगा, बीच में गैप आएगा, तो वो ठीक नहीं अच्छा, है अच्छा, मिनिमम 20 मिनट्स इसको रहना चाहिए आपका एक्सपोजर। तो सर्दियों में अगर हम माने तो हम दिन भर ले सकते हैं जी हाँ, और गर्मियों में क्योंकि बहुत गर्मी होती है तो फिर 10-11 बजे से पहले के लिए और शाम को 5 बजे के बाद जी हाँ। हमारे एक श्रोता वेट कर रहे हैं डॉक्टर साहब काफी देर से, इनकी बात सुन लेते हैं। हेलो हेलो जी जी, कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार मैम जी। नमस्कार जी, एस चिट्ठा बोल रहा हूँ, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, हाई बीपी और हाई शुगर के कारण भी क्या जोड़ों में दर्द हो सकता है? दूसरा,
क्या नहीं खाएं कि जोड़ों के दर्द से बचे रहें। ज्यादातर हाई बीपी और शुगर की वजह से नहीं होता, लेकिन अगर इसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो वो शायद जोड़ों में कर सकते, लेकिन डायरेक्टली तो इसका कोई संबंध नहीं है। क्या नहीं खाएं? मेरे ख्याल से अगर आप एक बैलेंस डाइट लें और अपना वजन ना बढ़ने दें तो वही ठीक रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी प्रश्न करने के लिए। डॉक्टर साहब, एक मैसेज है हमारे पास, लिखने वाली हैं सुनीता जैन दिल्ली से, और ये लिख रही हैं कि मेरी उम्र 58 इयर्स है और मुझे ऑस्टियोआर्थराइटिस है। कई बार लंबे समय तक एक जगह पर बैठने के बाद उठने या चलने से मेरे नीज में काफी दर्द होता है। काफी बार 5-10 मिनट नीज की मसाज करने पर दर्द थोड़ा कम हो जाता है, तो मैं क्या करूं जिससे कि मेरा दर्द ठीक हो जाए या ठीक रहूं मैं? देखिए, अगर आपकी उम्र 58 साल है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि एक बार कम से कम डॉक्टरी सलाह आप जरूर लें, अपने एक्सरे कराएं और डॉक्टर से सलाह लें। अर्ली स्टेज में जो हम ज्यादातर एडवाइस करते हैं वो ये है कि आप अपना वजन ठीक रखें, आपका वजन ज्यादा है तो उसे कम करें, कैल्शियम और विटामिन डी आप लें और व्यायाम करें घुटनों के लिए। काफी हद तक लोग इस तरह से ठीक हो जाते हैं, परंतु अगर स्टेज आगे बढ़ गई है तो उसमें कुछ और भी करना पड़ता है, यानी सर्जरी की बात कर रहे हैं। तो हम सर्जरी के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और डॉक्टर साहब जैसा बता रहे हैं हम और ऑप्शंस पे बात करेंगे। सर्जरी पे भी काफी मैं चाहूंगी कि हमारे प्रश्न आते हैं तो उस पर भी हम जरूर बात करें। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, और इस कार्यक्रम को आप प्रतिदिन सुनते हैं आकाशवाणी रेनबो पर दोपहर 3 से 4 बजे, और साथ ही साथ आप इसको सुनते हैं हमारे प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर। अगर आपने ये ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर में जाइए, PB यानी प्रसार भारती का ये जो ऐप है न्यूज ऑन AIR, उसको डाउनलोड करिए और वहां पर आकाशवाणी रेनबो दिल्ली पर जाकर इस कार्यक्रम को प्रतिदिन सुन सकते हैं। आप हमें कॉल करिए, अपनी समस्याओं का समाधान पाइए इस चैनल पर, इस कार्यक्रम में, और नोट कर लीजिए पुनः जिन्होंने देर से ट्यून किया है, हमारे फोन नंबर्स हैं 2342-1080, 2342-1082, व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। ये तो हम नहीं कहते कि रेडियो डॉक्टर सुनना जरूरी है जिंदा रहने के लिए, पर ये जरूर कहते हैं कि रेडियो डॉक्टर सुनना है स्वस्थ रहने के लिए, और जो स्वस्थ होता है वो ही खुश होता है और वो ही जिंदा दिली से अपनी जिंदगी को जीता है। ये तो हम सही बोल रहे हैं ना? अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं हम क्या गलत बोल रहे हैं। खैर, ये सब तो हो गई बात हमारी अपनी तरफ से, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम से रोज जुड़े और अपनी समस्याओं को हमारे साथ साझा करें, क्योंकि हमारा जो आकाशवाणी है वो जन जन की वाणी है, जन जन के लिए है। तो आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल, और आज का हमारा कार्यक्रम है जोड़ों के दर्द पर, नी और भी जितने जॉइंट्स हैं हमारी बॉडी के उन सबसे रिलेटेड है जॉइंट्स पेन, इसके कॉजेस क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है। आधा समय ऑलमोस्ट निकल चुका है, अगर आप अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं अपनी समस्याओं के साथ, हमारे साथ अभी तक आप अपने को रोके हुए हैं तो प्लीज रोकिए नहीं, फटाफट हमको फोन करिए, मैसेज करिए। डॉक्टर रवि मित्तल, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एम्स न्यू दिल्ली हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, एक हमारे पास मैसेज आया है नेहा का, इन्होंने लिखा है माय मदर इज 68 इयर्स ओल्ड और उनको ऑर्थो आर्थराइटिस है, शी हैज नी पेन, डॉक्टर सेज दैट देर इज नो ग्रीस एंड हैज एडवाइज नी रिप्लेसमेंट। तो हम अभी बात भी कर रहे थे सर सर्जरी की, आपने पिछले प्रश्न में भी बताया था, बट मदर इज नॉट रेडी फॉर सर्जरी, तो इज देर एनी ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, एक तो ये जानना चाहते हैं, दूसरा ये जानना चाहती है कि आपसे ये मिलना चाहती है, शी वॉन्ट्स टू शो यू टू in AIIMS and meet you there, and what is the procedure, do we have to take online appointment, is there a long waiting, please advise. देखिए, कोई भी मरीज AIIMS में आके दिखा सकता है, परंतु उसके लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट है जो कि आसानी से आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। रहा बात कि इनकी मदर जो है सर्जरी नहीं कराना चाहती, काफ़ी लोग होते हैं जो सर्जरी नहीं कराना चाहते, उसके अनेक कारण हैं, उनकी व्यक्तिगत चॉइस भी है। तो ऐसे लोगों के लिए हम कहते हैं कि आप अपनी एक्सरसाइज करिए, पैर की वजन कम करिए, अगर हाथ में छड़ी ले सकते हैं वो लीजिए, और कभी हम इंजेक्शन भी जोड़ में लगाने की सलाह देते हैं।
परंतु कुछ भी हम एडवाइस करने से पहले मरीज को देखना चाहते हैं, उसके एक्सरेज वगैरह भी देखना चाहते हैं, तो आपकी मदर भी इन ऑप्शंस को ट्राई कर सकती हैं। डॉक्टर साहब, एक हमारे श्रोता फोन लाइन पर वेट कर रहे हैं। हेलो। हेलो जी। हाँ, आप अपना प्रश्न बोलें, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं। सबसे पहले तो मैम मैं आप सबको शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने हम सबके लिए इतनी जानकारी देते हो इसके। थैंक यू सो मच। और मैं भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं और हम पर विश्वास दिखाते हैं, इसी कारण निरंतर ये कार्यक्रम हमारा बुलंदी छू रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं को। मेरी वाइफ जो है बाइक पे से गिर गई थी जी जी, और कंधे की जोड़ में उनका दर्द नहीं जा रहा डॉक्टर साहब जी, ऊपर को नहीं होता हाथ जी, उठाने में मतलब चलाने में दिक्कत है काफी। कितने दिन हो गए ये? तो चोट तो काफी पहले लगी थी, करीबन ऐसे होंगे 8-9 साल। आठ नौ साल दिखाया भी पर फिर भी कुछ रिलीफ नहीं मिला। मैं आपको सलाह दूंगा कि इसमें आप जरूर किसी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को जाके दिखाइए, इसकी जांच कराइए, एक्सरे कराइए या एमआरआई कराइए, जो आपकी तकलीफ है उसका कारण मिलेगा और उसके हिसाब से ही इसका निवारण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास मैसेज आया है डॉक्टर साहब, शिमला से झुंझुनू राजस्थान, इन्होंने लिखा है अपना एड्रेस, दिनेश शर्मा ये लिख रहे हैं, मेरी पत्नी की उम्र 65 वर्ष है, उनके घुटने में दर्द रहता है, वो एक वर्ष से ऑस्टियोपोरोसिस, कैल्शियम, विटामिन डी इन सब की दवाइयां ले रही हैं। तो इनका ये प्रश्न है कि राहत तो मिल रही है, तो क्या इसको कंटिन्यूस लेने से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो सकता है उनको? ये दवाइयां अगर आप डॉक्टरी सलाह में ले रहे हैं और जैसा उन्होंने बताया उस तरह से ले रहे हैं तो साइड इफेक्ट बहुत कम है, फायदा ही होगा आपको। तो ये काफी सेफ दवाई जी है। जी, हमें लिखकर भेजा है पश्चिम बंगाल से तपस जी ने, और आगे इन्होंने क्या लिखा है मुझे ठीक से समझ नहीं आया, पर इनका मुख्य जो प्रश्न है वो ये है कि गर्दन में दर्द रहता है, तो उसके लिए क्या खास आप बताना चाहेंगे? और दूसरा इन्होंने ये एक लिखा है कि मैं लोको पायलट हूं, मेरे कंधों में बहुत भारी बैग रहता है हमेशा, तो मेरी गर्दन दुखती है, तो मैं क्या करूं कि मैं ठीक रहूं? इन्हीं का प्रश्न है ये दोनों। यदि आपका दर्द कंधे पे भारी बैग लेने से है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि कुछ वजन अगर आप कम कर सकते हैं सबसे आसान तरीका है, अगर नहीं कर सकते तो कंधा बदलिए अपना, एक कंधे से दूसरे, एक ही कंधे पे ज्यादा देर तक अच्छा। अपना वजन मत रखिए। अगर उस बैग को थोड़ी देर के लिए आप जमीन पे रख सकते हैं और अपने कंधे को आराम दे सकते हैं तो ये सबसे आसान तरीका होगा, परंतु अगर इन चीजों से भी आपको अगर आराम ना आए तो आप जरूर डॉक्टर को दिखाइए, इसका जांच करवाइए और उसी के हिसाब से आपका इलाज होगा। हमें हमारे श्रोता थैंक्स दे रहे हैं, डॉक्टर साहब आपको भी थैंक्स दे रहे हैं कि उनकी जो समस्याओं का समाधान आप कर रहे हैं। हमें नेहा ने लिखकर भेजा है कि थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब कि आपने हमारी समस्या का समाधान किया, जिन्होंने आपसे समय मांगा है जी। यशपाल जी हमें लिख रहे हैं द्वारका नई दिल्ली से कि आपने जो प्रश्न पूछे हैं, ये तारीफ मेरी आई है इस बार कि बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक इनका प्रश्न ये है डॉक्टर साहब, हाउ फार यूजफुल इज इंजेक्शन, जैसा आपने बताया कि कभी कभी नी में इंजेक्शन भी लगाना पड़ता है, तो कितना ये टेम्पररी रिलीफ देता है कि परमानेंट रिलीफ देता है? देखिए ये सब चीजें जैसे कि ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर तभी तक ठीक रहता है जब तक आप गोली खा रहे हैं, तो कोई भी इंजेक्शन जो होता है उसका कुछ टाइम तक असर रहता है, उसके बाद खत्म हो जाता है, परंतु ये टाइम हर एक मरीज में अलग अलग होता है, किसी में कुछ हफ्ते, किसी में कुछ महीने, कई साल भी निकल जाता है, तो ऐसा परमानेंट नहीं है ये। कुमार अजय लिख रहे हैं देवघर झारखंड से, इन्होंने भी लगभग वही समस्या लिखी है कि मैं कैल्शियम और ये सारी दवाइयां खा रहा हूं और बहुत सारी अच्छी जो कही जाती है दवाइयां उनके नाम इन्होंने लिखे हैं जो हम नहीं बता सकते, पर क्या ये दवाइयां मदद करती हैं, यानी सप्लीमेंट्स कितना मदद करते हैं? देखिए मैं ये कहूंगा कि आप कोई भी दवा डॉक्टरी सलाह के बिना ना लीजिए, ये नहीं है कि आप दुकान से गए और दवाई खरीद के ले आए और अपने आप खाना शुरू कर दिया, इन सभी दवाइयों को आप डॉक्टरी सलाह से लीजिए, उसकी डोज कितनी लेनी है, कितने दिन तक लेनी है, आप ये डॉक्टरी सलाह में लीजिए, तभी आपको ठीक से फायदा होगा। अगर आप अपने आप से लेंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा आपके लिए, और आपको जरूर ये दवा लेनी चाहिए अगर समस्या है तो। डॉक्टर साहब बहुत एक आम चीज होती है, लोग आजकल बहुत रेगुलर चेकअप्स कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, और एक बहुत कॉमन सा है विटामिन डी पता चल जाता है कि कम है, तो अगर इस तरह की समस्या लग रही है तो क्या वो खुद से विटामिन डी ले सकते हैं?
नहीं नहीं, आपको फिर भी डॉक्टर को एक बार दिखाना चाहिए। अच्छा, और उसी की सलाह पे लेना चाहिए। जी जी, हमें आलोका लिख रही हैं, 52 इयर्स की हैं, नोएडा में रहती हैं, मुझे जॉइंट पेन्स हैं और 15 साल से हैं, 52 इयर्स की हैं, 15 साल से इन्हें पेन है। मैं उन्हें वॉकिंग एक्सरसाइज होम्योपैथिक मेडिसिन से मैनेज कर रही हूं। आजकल सभी जॉइंट्स में बहुत पेन है, खासकर एल्बो, नीज, लेफ्ट हिप, लोअर बैक, पाम्स, फीट एंड शोल्डर्स। रूमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं है, वैसे गठिया कुछ लिखा है, गठिया पाए है। प्लीज सजेस्ट हाउ आई कैन मिनिमाइज इट। ऑयल मसाज से आराम मिलता है। राइट एल्बो में बहुत दर्द है, टीस सी मचती है, उन्होंने लिखा है। लास्ट 8 महीनों से पीरियड्स नहीं हुए हैं, मेरा वेट 54 kg है, प्लीज बताएं। देखिए, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जरूर डॉक्टर को दिखाइए, अपने आप से इलाज मत करिए। आपकी आपके केस में बहुत सारे जोड़ में दर्द है। हाँ जी। और आपको पीरियड्स के भी प्रॉब्लम है, तो इसमें आप डॉक्टर को जरूर दिखाइए। गठिया बाय है कि नहीं, ये उन्हीं को तय करने दीजिए। टेस्ट के बाद और आपको जांचने के बाद वो लोग डिसाइड करेंगे, और उसका जो भी संभव इलाज है वो जरूर किया जाएगा। तो अपने आप से आप कुछ मत करिए, डॉक्टर को दिखाइए। जी, तो आलोका जी, आप अपने आप को डॉक्टर से जाकर चेकअप जरूर कराइए और डिले मत करिए। ऑलरेडी आप लिख रही हैं 15 साल से आपको ये समस्या है, तो प्लीज जाएं और जल्दी से जल्दी चेकअप कराएं। हमारे एक श्रोता फोन लाइन पर है, डॉक्टर साहब। हेलो। हेलो, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव आदरणीय शालिनी मित्तल जी को रघुविंदर सिंह चट्ठा का नमस्कार। नमस्कार चड्ढा जी। डॉक्टर साहब को सादर प्रणाम। प्रणाम जी। डॉक्टर साहब, मेरे दो सवाल हैं। जी। पहला ये कि पुरानी चोट पे अगर पेन होती है, जॉइंट पेन, तो उसका क्या इलाज करना चाहिए। नंबर 2, ओवर एक्सरसाइज और गलत एक्सरसाइज करने से भी क्या जॉइंट पेन हो सकती है, कृपया आप बताने का कर सकीजिए। देखिए, गलत एक्सरसाइज और ओवर एक्सरसाइज से भी पेन होती है, जो कि आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है, क्योंकि जिम बहुत खुल गए हैं, सभी युवा वहां जाते हैं और अपनी जिसको कहते हैं कि मसल्स बनाने के चक्कर में वो ये सब अपनी इंजरी कर लेते हैं। तो कोई भी एक्सरसाइज आप करें तो उसको ओवरडू ना करें, जिसको एक्सेसिव एक्सरसाइज बोलते हैं वो ना करें। दूसरी समस्या आपने बोली थी कि पुरानी चोट का दर्द, ज्यादातर जो चोटें होती हैं ऐसे लंबे समय के बाद दर्द नहीं करती, अगर वो करती हैं तो उसका कोई कारण होता है। कारण ढूंढने के लिए आप किसी डॉक्टर को दिखाइए, कारण मिलने के बाद उसी का यथा इलाज करवाइए। तो आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, और हमें इंतजार है आपके, और वैसे तो बहुत सारे श्रोता हमें मैसेज और फोन कॉल कर चुके हैं, पर समय है, 4 बजे तक हमारा ये कार्यक्रम चलेगा, तो आप हमें इसी तरह से मैसेज करते रहिए, फोन करते रहिए। और जॉइंट पेन्स, आज का विषय है जॉइंट पेन्स, कॉजेज एंड सॉल्यूशंस, जोड़ों का दर्द, इसके क्या कारण होते हैं और कैसे इससे हमें निजात मिल सकती है, ये सारी बातें हमें डॉक्टर साहब बता रहे हैं। हमारे स्टूडियो में है डॉक्टर रवि मित्तल, आप प्रोफेसर एंड हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एम्स न्यू दिल्ली में। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल। हम मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। जी हाँ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल, और साथ में हैं हमारे आज के रेडियो डॉक्टर, डॉक्टर रवि मित्तल। और बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, आपकी बहुत सारी समस्याओं को डॉक्टर साहब ने समाधान यहीं पर दे दिया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई दुविधा है, कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, जोड़ों के दर्द से संबंधित कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। अभी थोड़ा समय बाकी है, कुछ प्रश्न मेरे दिमाग में भी है डॉक्टर साहब, पर पहले एक श्रोता जो लाइन पर वेट कर रहे हैं फोन लाइन पर, उनको ले लेते हैं। हेलो। हेलो मैम। जी डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर जी, मैं जैसे बैठता हूँ तो मेरे घुटनों में चट चट की आवाज आने लगती है सर, इसके लिए कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर उस आवाज में कोई तकलीफ नहीं है, आपको दर्द नहीं है, तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सर दर्द तो है नहीं, मगर मेरे को मैं सोचा सर इससे भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं जानकारी लेने की वो कर रहा। नहीं, अगर आपको तकलीफ दर्द नहीं है उसमें, तो आप चिंता ना करें। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप जानकारी लेना चाहते हैं, क्योंकि जो जानकारी लेता है, अवेयर होता है, वो ही ध्यान भी रख पाता है अपनी समस्याओं का। तो इसीलिए हम ये कार्यक्रम भी करते हैं कि आपको जानकारी मिले। अगर आपको कोई समस्या नहीं भी है तो भी आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए, तभी आप किसी और की भी मदद कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मनोहर लाल गांधी जी ने हमें चाणक्य चौक गाजियाबाद से पुनः लिखकर भेजा है, रेडियो डॉक्टर हम सुनने वालों के लिए एक वरदान है, हर प्रकार की बीमारियों के बारे में हर रोज डॉक्टर आते हैं
और सभी डॉक्टर अनुभवी तजुर्बेकार जिनसे हमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं जो हमारे लिए लाभदायक साबित होती हैं। हम सभी श्रोतागण शुक्रगुजार हैं एफएम रेनबो के और प्रस्तुतकर्ता के जो इस तरह के डॉक्टरों से उनको मिलाते हैं। तो डॉक्टर साहब, इसी माध्यम से मनोहर लाल जी की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं भी धन्यवाद देना चाहूंगी आप सभी डॉक्टर्स का जो यहां समय निकाल कर आते हैं और साथ ही साथ हमारे उन श्रोताओं का जो समय निकाल कर इस कार्यक्रम से प्रतिदिन जुड़ते हैं। एक श्रोता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार डॉक्टर साहब, को भी नमस्कार। नमस्कार जी डॉक्टर साहब, घुटनों में दर्द है 5-7 साल हो गए जी। हमारी पहुँच सिर्फ अस्पताल तक जाने के लिए है बस, और आगे कोई प्राइवेट इलाज कराने की ताकतें नहीं है बिल्कुल हमारे पास जी। अब दवाई खाते हैं तो थोड़ी देर हो जाता है ठीक, नहीं तो वो भी मुश्किल है आजकल दवाई भी जी। परेशानी अस्पतालों में दवाई कैसी है आप समझते ही होंगे सब जी। सब ट्यूब भी मिलती है, ट्यूब भी काम नहीं कर रही जी। अब क्या कैसे करें, नहाना धोना तो है, कोई ऐसी चीज बताइए जो हम होल्ड कर सकें। देखिए, किसी भी जो घुटने के दर्द होता है बड़ी उम्र में, उसमें पहले हम मरीज को कुछ दवाई देते हैं, कुछ व्यायाम बताते हैं, काफी लोग इससे ठीक हो जाते हैं, और अगर समस्या उससे ठीक नहीं होती तो फिर हम मरीज को ऑपरेशन के लिए बताते हैं। डॉक्टर साहब, हमने आपको बताया ना, हम सिर्फ डॉक्टर दवाई लेने तक भी अस्पताल में जाना हमारे लिए परेशानी है जी। आगे हम प्राइवेट तो कुछ कर नहीं सकते बिल्कुल, जरा सी भी गुंजाइश भी नहीं है हमारे पास, क्या करा जाए, वो दवाई खाते नहीं क्या करे। देखिए, इससे आगे मैं आपको बिना देखे नहीं बता पाऊंगा, लेकिन डॉक्टर को जरूर दिखाइए, जो वो कहते हैं वो करिए आप। मैं अपने एक बात आपसे राय लेनी है डॉक्टर साहब जी। अस्पताल में, कई अस्पतालों में हम चले गए, वो कहते घुटने चेंज करा लो जी, पर दूसरे इतना प्यार से कोई बात भी नहीं होती है कि चलो अब मजबूरी तो है ही है डॉक्टर साहब, क्या करें, नहाना धोना तो है ही है जी। अब कुछ ऐसा रास्ता बताइए कि डॉक्टर हॉस्पिटलों में कुछ सहूलत मिल जाए, अब अस्पतालों में कुछ पैसा करो जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न करने के लिए जी। डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि आपको एक बार जाना पड़ेगा जरूर, और अगर समस्या है तो उसका समाधान जो भी डॉक्टर साहब कहते हैं, चाहे वो एक्सरसाइज बताए चाहे दवाई बताए, और अगर जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट या शोल्डर में जो भी एक्सरसाइज बोलते हैं, वो जैसा जैसा डॉक्टर एडवाइस करते हैं हमें वैसा ही करना होता है, तभी हमारा सुधार आता है। डॉक्टर साहब, बात सर्जरी की जब हम कर रहे हैं, अभी इन्होंने बोला नी रिप्लेसमेंट, सर्जरी जब की जाती है तो कहां तक सक्सेसफुल होती है, और किनको आप मतलब किनको रिकमेंड करते हैं सर्जरी? देखिए, किसी भी जोड़ में जो तकलीफ होती है वो अलग अलग स्टेजेस में होती है। आप समझिए कि अर्ली स्टेज में तो हम केवल दवाई, व्यायाम और वजन घटाना बताते हैं, उसके बाद अगर अंदर कुछ जैसे लिगामेंट टूट गया है, मेनिस्कस टूट गया है, तो हम उसको छोटी आर्थोस्कोपिक सर्जरी जो पिन होल सर्जरी होती है वो कर सकते हैं। कई बार हम हड्डी को काट के उसका एंगल चेंज करते हैं, जिससे जिसको ऑस्टियोटॉमी बोलते हैं हम, उससे मरीज को आराम आता है। परंतु अगर इन सब स्टेजेस से आगे निकल गया है उसकी तकलीफ, तो हम नी रिप्लेसमेंट जो है हम केवल लास्ट स्टेज में एडवाइस करते हैं मरीज को जी। शुरू में एडवाइस नहीं करते हैं। तो जब डॉक्टर को ये लगता है कि इसके बिना नहीं हो सकता है, सोल्यूशन नहीं निकल सकता है, तभी हमें अंजू लिखकर भेज रही है। डॉक्टर साहब, मैं 66 ईयर्स ओल्ड हूँ, माई राइट नी वॉज रिप्लेस्ड 5 ईयर्स अगो एंड इट्स परफेक्ट, बट लेफ्ट नी में जो है, लेफ्ट नी भी रिप्लेस हुई है 9 मंथ्स अगो बाय रोबोटिक सर्जरी, बट इट इज स्टिल पेनिंग, तो प्लीज सजेस्ट इज इट नॉर्मल? सर्जरी के कुछ दिन तक दर्द रहता है, कुछ हफ्ते भी हो सकते हैं उसको। अगर ये दर्द आपका परसिस्ट करता है, बढ़ता है, या और कोई तकलीफ होती है, तो अपने डॉक्टर को जाके दिखाइए। वरना अगर आप चलने में कोई तकलीफ नहीं है, आप आराम से चल रही हैं और थोड़ा दर्द है, तो ये मेरे ख्याल से टाइम के साथ ठीक हो जाना चाहिए। 9 महीने हो चुके डॉक्टर साहब, तो एक बार एक्सरे करा के डॉक्टर को जरूर दिखाइए जिन्होंने ऑपरेशन किया आपका। जी जी, यशपाल जी हमें थैंक्स बोल रहे हैं कि इन्हें कार्यक्रम बहुत यूजफुल लग रहा है, इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लग रही है। डॉक्टर साहब, आपने बताया था कि एक्सीडेंट केसेस भी होते हैं जब यंगस्टर्स के जॉइंट्स में प्रॉब्लम आती है, तो मैं ये जानना चाह रही थी कि उनका किस तरह से इलाज किया जाता है, क्या फिजियोथेरेपी इसमें रिहेबिलिटेशन में वर्क करती है? जी हाँ, जरूर करती है। फिजियोथेरेपी तब काम करती है जब कोई लिगामेंट, मेनिस्कस या हड्डी टूटी नहीं होती,
ऑपरेशन के बाद भी मरीज को फिजियोथेरेपी करनी पड़ती है, और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है उसमें भी वर्जिश करनी पड़ती है। तो वर्जिश व्यायाम घुटने के लिए जो होता है वो एक महत्वपूर्ण तरीका है दर्द को ठीक करने का। और खास तौर पर मैं उन श्रोताओं के लिए बात करना चाहूंगी, वैसे हमारे पास कोई इस तरह का प्रश्न आया नहीं, क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है वेट बढ़ता है, आपने बताया बार बार कि वेट बढ़ना हमारे जॉइंट्स के लिए बहुत नुकसानदायक है, तो जैसे प्रेगनेंसी होती है जहां पर कोई कुछ कर नहीं सकता है, वेट तो बढ़ता है, और उस समय आपको वॉक भी करने को कहा जाता है, मूवमेंट करने को कहा जाता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए डॉक्टर साहब? देखिए ऐसा है कि जब गर्भावस्था होती है तो माँ और बच्चे दोनों के लिए कैल्शियम और विटामिन डी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो उस समय ये कहा जाता है कि आप दूध दही पनीर का सेवन ज्यादा करें। तीसरे महीने के बाद ज्यादातर डॉक्टर कैल्शियम और विटामिन डी की गोलियां देते हैं गर्भवती महिला को, इसलिए कि माँ और बच्चे दोनों के लिए कैल्शियम और विटामिन डी की कमी ना हो। जो वजन बढ़ने की बात है वो तो डिलीवरी के बाद कम हो जाता है धीरे धीरे, वो एक टेम्परेरी स्टेज होती है महिला के लिए, तो अगर वो अपना खाने पीने का ध्यान रखे ठीक से और जो विटामिन्स जो डॉक्टर बताते हैं वो नियम से ले, तो ज्यादातर महिलाओं को ये समस्या नहीं होती आती है। जी जी, एक्चुअली थोड़ा दिमाग में ये आया कि ये महिलाओं में भी एक समस्या आती है, और ऐसे ही एक स्टेज आती है मेनोपॉज की, जब महिलाओं में हार्मोनल चेंज बहुत ज्यादा होता है, तो क्या उसके बाद भी ये समस्या बढ़ती है या कुछ इसमें अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता होती है? जी हाँ, मेनोपॉज जो है वो एक नेचुरल चीज है महिलाओं में जो 50 या 55 की उम्र के बाद सबको होती है, तो उसमें हार्मोन्स की लेवल्स थोड़े से कम हो जाते हैं, ईस्ट्रोजन वगैरह, तो उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होती है महिलाओं में, तो उससे और कई बार उससे घुटने में दर्द होता है, तो हम सबको ये सलाह देते हैं कि इस स्टेज में विटामिन डी और कैल्शियम का नियमित सेवन किया जाए। परंतु मैं फिर कहूंगा कि ये सब जो आप गोलियां खा लें कैल्शियम और विटामिन डी की, वो डॉक्टरी सलाह के बाद ही लें, अपने आप से खरीद के बाजार से ना खाएं। तो समय बहुत कम बचा है, रेडियो डॉक्टर समाप्त होने वाला है, हम छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर लौटेंगे। अगर अभी तक आपके दिमाग में कोई प्रश्न है, आप कोई बात करना चाहते हैं, तो कृपया जल्दी से हमें कॉल लगाएं 2342108023421082 पर आप हमें फोन कर सकते हैं, और मैसेज भेजना चाहें तो 9868107070 पर हमें लिख सकते हैं। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आप है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में, और आज के हमारे रेडियो डॉक्टर हमारे साथ डॉक्टर रवि मित्तल, प्रोफेसर इन हेड डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एम्स न्यू दिल्ली। हमने काफी बातें कर ली हैं, आज का विषय लगभग हमने कवर कर लिया है, आपकी समस्याओं को भी हमने शामिल किया है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे प्रश्न करने के लिए। डॉक्टर साहब, रीता हमें लिख रही है, रीता गौतम चंडीगढ़ से। मेरे दाहिने पैर में हमेशा दर्द रहता है, आप उसके लिए कुछ बताएं। तो वैसे डॉक्टर साहब ने बहुत कुछ बताया है, लेकिन चलते चलते रीता जी अगर आप सुन रही हैं तो कार्यक्रम में रहिए अंत तक, हम कार्यक्रम समाप्त करने से पहले एक बार डॉक्टर साहब से पुनः पूछेंगे कि कैसे हम जोड़ों को ध्यान रखें। एक हमारे श्रोता है फोन लाइन पर। हेलो हेलो जी जी, जल्दी से प्रश्न कर लें। मैम नमस्ते, डॉक्टर साहब को भी नमस्ते। एक्चुअली मैं अंजलि बोल रही हूँ कीर्तिनगर से। तो मुझे अपने हस्बैंड के बारे में ये पूछना था सर से कि लास्ट ईयर उनको बैक पेन बहुत ज्यादा हो गया था, तो उन्होंने डॉक्टर से दिखाया, उनकी सारी ट्रीटमेंट हुई, फिजियोथेरेपी भी हुई, लेकिन अभी जब वो सोते हैं तो सुबह किसी दिन फ्रेश उठते हैं नहीं तो उनका कंधा वगैरह सब जकड़ा हुआ रहता है, कभी तकिया लगा के भी सही रहता है, कभी बिना लगाए भी सही नहीं रहता, तो वो काफी डिस्टर्ब से रहते हैं, और मैंने देखा है साइड पोस्चर में वो ज्यादा सोते हैं, तो इसमें क्या डॉक्टर साहब कमी हो सकती है कि उनको रिलीफ नहीं रहता, मैं ये जानना चाहती हूँ जी। आप जवाब सुनिए अंजलि जी, डॉक्टर साहब बता रहे हैं, धन्यवाद। देखिए इसके कई कारण हो सकते हैं, परंतु आपके हस्बैंड के केस में जो प्रॉब्लम है वो एक्सरे और उनकी जांच के बाद ही मालूम चलेगा और उसका निवारण होगा, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एक बार डॉक्टर से मिलिए और उसका कारण ढूंढवाइए और उसका जो यथा उचित इलाज है वो कराइए।
बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न करने के लिए। और डॉक्टर साहब समय कम रह गया है, बस हम चलने से पहले ये चाहते हैं हमारे उन श्रोताओं के लिए जो देर से इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, और रीता गौतम जैसे जो हमारे श्रोता हैं जिन्होंने हमें लिखा है, मैसेज भी किए हैं, पर हम उनके समय अभाव के कारण शामिल नहीं कर पा रहे, तो एक बार बता दें कि ज्वाइंट पेन्स या जोड़ों का दर्द हम कैसे इसको मैनेज करें और क्यों हो जाता है, कैसे स्वस्थ रह सकते हैं कि मिनिमम हो जोड़ों का दर्द। सबसे आसान भाषा में अगर मैं कहूं तो हमें एक्टिव रहना चाहिए, अपना वजन नहीं बढ़ने देना चाहिए, जो भी आपकी लंबाई है उसके यथा जो ठीक उसका वेट होना चाहिए उसके हिसाब से रहना चाहिए, एक्टिव रहिए, चलिए फिरिए, मेहनत का काम करिए, और अपना जो डाइट है उसको बैलेंस्ड वे में रखिए। जो कि आपके घर में खाना बनता है वो सबसे अच्छा खाना है, जंक फूड छोड़िए, दूध दही अंडा मछली मांस अगर ये आप नियमित रूप से सेवन करें और यथा उचित ठीक मात्रा में लें तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, जोड़ों में दर्द नहीं होगा, वजन ठीक रहेगा और आप एक्टिव रहेंगे। जी, तो आपने नटशेल में बता दिया डॉक्टर साहब कि किस तरह से हम जोड़ों का ध्यान रख सकते हैं। तो मेजर जो पॉइंट मुझे समझ में आया, वेट अंडर कंट्रोल रखना है, डाइट सही रखनी है और एक्टिविटी रखनी है। तो अगर इसके बाद भी समस्या होती है तो आप झिझके नहीं, सीधे डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर साहब ने पूरे कार्यक्रम में बताया है कि आप नेग्लेक्ट ना करें, आप जल्द से जल्द डॉक्टर को कॉन्टेक्ट करें, अपनी समस्या का समाधान पाएं। आपकी समस्याओं का समाधान हम भी करते हैं यहाँ पर रेडियो डॉक्टर में, प्रतिदिन आप ना कुछ नया यहाँ पर, हमारी कोशिश होती है कि नया विषय हो, नए एक एक्सपर्ट हो और आप इस कार्यक्रम से कुछ लाभ ले सकें। अगर आप हमें कुछ लिखना चाहते हैं, इस कार्यक्रम का फीडबैक देना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, बदलाव के लिए हमें कुछ बताना चाहते हैं या कोई विषय सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल करने के लिए हमारी मेल आईडी है healthairdelhi@gmail.com। इसी के साथ हम डॉक्टर साहब को धन्यवाद दें, पर इससे पहले हम ये भी बता दें कि हम कल पुनः आपसे जुड़ेंगे इसी कार्यक्रम के माध्यम से जिसे आप सुनते हैं आकाशवाणी रेनबो पर दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक। तो पुनः मिलेंगे आपसे कल दोपहर 3 से 4 बजे के बीच, कार्यक्रम यही आपका अपना रेडियो डॉक्टर। तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं डॉक्टर रवि मित्तल को, आप प्रोफेसर एंड हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एम्स न्यू दिल्ली में। डॉक्टर साहब आपने समय निकाला, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आपने हमारे श्रोताओं की समस्याओं का समाधान किया, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।